नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाई सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग नंबर सिस्टम में एक एक टॉपिक को उठा उठा के सारे टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास जो हमने लगी वो यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस की क्लास थी, और आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और उनपे बेस्ड क्वेश्चन दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं जो रिमाइंडर थ्योरम पर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको दो क्लासेस में करेंगे। पहली क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और दूसरी क्लास जब हम करेंगे तो उससे उसमें भी कुछ थ्योरम्स और उनपे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, आज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए हैं और कॉन्सेप्ट लिए हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है रिमाइंडर थ्योरम में, जो बनता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक्चुअली ये यूज कैसे होता है देखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि जैसे 75 को अगर हमें 8 से डिवाइड करना है तो जैसे ही हम 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, 8 9 72 और बचा कितना 3। अगर हमको वापस अगर 75 चाहिए तो अगर हम 8 और 9 का गुणा करके इस 3 को जोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो वापस 75 नहीं मिल जाएगा, 8 9 72 3 75। बस वहीं से ये फॉर्मूला बना लिया गया जिसको हम लोग इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको हम लोग इसको भाजक कहते हैं, डिविजर कहते हैं, इसको हम लोग कोशेंट कहते हैं, भागफल कहते हैं, और इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल कहते हैं, और ये हमारा जो होता है इसको हम लोग भाज्य कहते हैं या संख्या भी कहा जाता है। यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 3 आ रहा है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या भी कहते हैं। एक्चुअल इसको भाज्य भी कहा जाता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एक एक करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को उठाया है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या एक्स को किसी विभाजक से विभाजित किया जाए तो विभाजक भागफल का 4 गुना है। मतलब जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है यदि शेषफल 80 है। तो हमें वो जो संख्या है उसके बारे में दिया गया है x, और शेषफल हमें पता है 80, और वो जो भाजक है वो भाजक इसका 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, इसका 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल 80 है, अगर इसका 2 गुना देखेंगे तो ये 160 हो गया, और इसका 4 गुना है तो ये जो हमारा रहा होगा ये रहा होगा 40। देखते जाइएगा, बहुत आसान सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। अभी अभी हमने बताया अगर आपको संख्या निकालनी है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दीजिए। तो 16 चौको कितना हो गया, 160 इंटू 40 प्लस आपको करना है 80, तो 16 चौको 64, ये 6480 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। फिर से देखिए कितने आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं अगर आपको इस सवाल को करने का तरीका सही पता है। फॉर्मूले में भी रखने की जरूरत नहीं है, बस सवाल की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कह रही है उसको कह रहा है वो अच्छे से समझिए। कह रहा है नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर, इट इज सीन दैट द डिवाइजर इक्वल्स टू 4 टाइम्स द कोशेंट डबल द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 80 देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको रिमाइंडर 80 दे रखा है और इसका डबल जो है वो डिविजर है, 80 का डबल 160 डिविजर हो गया, और ये जो 160 है ये कोशेंट का 4 टाइम्स है, तो इससे इसमें अगर 4 डिवाइड कर देंगे तो कोशेंट मिल जाएगा। तो वहां से आपको तीनों चीजें मिल गई, ये और ये, आप बहुत प्यार से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे तो आपको संख्या जो पूछी गई है वो मिल जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। कह रहा है एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 15 गुना है, इसका 15 गुना है ये, और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल अपना 40 है। अगर इसका 3 गुना है, 40 का 3 गुना, ये 120 हो गया। अब ये इसका 15 गुना, इसमें 15 का भाग दे देंगे तो ये आपको 8 मिल गया। अब आपके लिए कितना आसान हो गया संख्या बनाना, ये देखिए 120 और 8 का गुणा कर दीजिए और ये उठा के जोड़ लीजिए, तो 12 8 96, 960 प्लस 40 कर देंगे तो वो जो संख्या मिल गई वो आपको कितनी मिल गई, 1000। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। बहुत आसान से, आसानी से, बहुत प्यार से किया जा सकता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज फॉलो करनी है। एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है भाजक भागफल का 15 गुना है, ये जो भाजक है भागफल का 15 गुना, हमें इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वही भाजक शेषफल का 3 गुना है और शेषफल आपको पता है 40, 40 का 3 गुना तो हमें शेषफल भी मिल गया, 40 का 3 गुना हमें भाजक भी मिल गया 120। अगर 120 में 15 से भाग दे देते हैं तो हमें भागफल मिल गया 8। तो अब आराम से आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके आंसर देख सकते हैं।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। देखिएगा अगर दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 दे रखा है तो x माइनस वाई आपको मिल गया 1280। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। ये आपको यहां से 1280 मिल गया। कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी संख्या होगी, तभी इनका अंतर पॉजिटिव आ रहा है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो आपको पता है कि भागफल 7 और शेषफल 50 आता है, भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गया, इनका इनका मल्टीप्लाई और इनका इसको ऐड कर देंगे तो x बराबर आपको मिल गया 7y + 50। अब x का ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए, जैसे ही आपने रखा 7y + 50 - y = 1280। जैसे ही आपने यहां से देखा ये 6y बराबर कितना हो गया, आप देखेंगे 1230। यहां से y बराबर देखेंगे तो 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, ये आपको 205 मिल गया। एक्चुअल आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करिए, ये 205 उठा के यहां रखेंगे, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 1485 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन। फिर से समझिएगा, कुछ नहीं करना, एक सीधा सा क्वेश्चन है, अगर आपको पॉइंट सही से पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको पता है दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 1280 है। अब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जाहिर सी बात है कि जिससे बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाई जाएगी तभी पॉजिटिव आएगा। तो आप कह रहे हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो भागफल 7 आ रहा है और शेषफल 50 आ रहा है। तो यहां से एक इक्वेशन ये बन के आ गया, x का वैल्यू उठा के यहां रख दिया, वाई का वैल्यू आ गया, छोटी संख्या पूछी गई होती तो 205 आ गई, वो उठा के यहां पे रख दी तो बड़ी संख्या हमारी 1485 मिल गई। बहुत आसान और बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको इस तरीके से किया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि समान संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। पहले मैं इसको बेसिक सा समझा देता हूँ, फिर आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, कभी इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। कह रहा है एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर शेषफल 63 देता है। 899 से अगर आप एक संख्या किसी को भी भाग देंगे तो कुछ टाइम्स तो जाएगा, नहीं पता कितने टाइम गया, और जो शेषफल हो गया वो कितना हो गया आपका 63 हो गया। ये तो एक्चुअल वो जो संख्या बनी वो कहीं ना कहीं 899k + 63 बन गई, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ये जो संख्या है इसको हमें 29 से डिवाइड करना है। अगर इस संख्या को हम 29 से डिवाइड करेंगे तो जब आप 29 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा खत्म हो गया। 29 से 29 से 87 बचा, दो 29 से कम 29, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 29 से हम 63 में भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर। 29 × 58 शेषफल बचा 5, तो हमारा आंसर कितना हो गया 5। फिर से समझिएगा, ये इसको करने का बेसिक तरीका होता है, लेकिन हर बार आपको ये नहीं करना है। आप एक डायरेक्ट भी करेंगे, जैसे आपसे कह दिया 899 से किसी संख्या को भाग देते हो तो 63 आएगा, तो 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। आप इससे इसको भाग दे के देखें, ये पूरा पूरा जा रहा है तो सीधे इसमें भाग दे दीजिए, 29 × 58 = 5, ये आपका आंसर हो गया। सीधे ये करना है, हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ये 7 को अगर 5 से भाग देना है तो आपको पता है 5 + 2, ये 5 से 5 खत्म तो रिमाइंडर 2 बच गया। जैसे 12 को अगर आपको 5 से भाग देना है तो ये 10 + 2 है, ये तो आपका 5 से पूरा पूरा खत्म हो रहा है, शेषफल तो वो एक्स्ट्रा वाला बच रहा है, तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से करिए। ये हर बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 899 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो 63 बचेगा, तो 29 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 29 × 58 = 5, सीधे सीधे से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, बस इससे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी इस तरीके का क्वेश्चन संभव है। अगर ये इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसका आंसर देना भी संभव नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संख्या को 1003 से भाग देते हैं तो शेषफल 209 आता है। अब उसी संख्या को अगर 59 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए, अब 59 से ये पूरा पूरा घट रहा है, तो आप सीधे सीधे इसको भाग दे दीजिए 59 से। जैसे ही भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 × 27, 3 × 5 = 15, 2 × 17, 9 × 7 = 2, ये आ गया आपका शेषफल, आ गया 32, यही आपका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना है, जो आपको सीधे सीधे से बताया जा रहा है आप वो फॉलो करिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इससे उठा के इसको भाग दे दीजिए। इसका एक केस और बनता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा उसके लिए, कि अगर ये इस नंबर से छोटा हो जाए, लाइक आपसे कह दिया गया कि 156 से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल बता दिया गया कि 10 आता है। अब इसी संख्या को अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए, 13 से भाग देंगे तो डिवाइड अब जाएगा नहीं, इस पे भाग जाएगा नहीं 10 में, जब 13 से भाग देंगे, 13 से 10 में भाग देंगे भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल क्या बता देंगे, 10। एक्चुअल ये क्वेश्चन ना रेलवेज में एक बार पूछा जा चुका है, इस तरीके का क्वेश्चन, तो वहां पे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं।
कि भाई माइनस तीन आएगा और वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ये देखिए इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अब आपको सीधे 10 में 13 से भाग देना है। अब डिवाइड जब कर रहे हैं तो भाग जा नहीं रहे, नहीं भाग जा रहा तो यही सीधे सीधे नंबर उतार दीजिए, तो जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का, इस तरीके का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसका उसका आंसर होगा, बट इसका जो आंसर सही होगा वो ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि पूर्णांक n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, अगर 7n को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए एक कोई संख्या n है जिसको 5 से भाग देते हैं तो शेषफल जो आता है वो 2 आता है, तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए k टाइम्स गया तो जो संख्या बन गई वो 5k+2 बन गई। ये ध्यान से समझिएगा, 5k+2 बन गई। अब कह रहा है यदि उसी संख्या के n के 7 गुने को, n को 7 गुना करोगे तो ये n के बराबर है, तो इसके 7 गुने को अगर आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो जैसे ही आपने किया तो 7 × 35 + 7 × 14/5। अब देखिए 5 से ये 35 तो पूरा पूरा खत्म, अब शेषफल सीधे यहां से देखना है, 5 × 2 = 10, तो बचा कितना, 4। ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए, कुछ नहीं किया, पहले वो संख्या बनाई, आपको हर बार ये नहीं करना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट जब बता रहे हैं तब ध्यान दीजिए, आगे करना क्या है वो अभी अभी हम आपको बताएंगे। कि हमने पहले वो n देख लिया, n का वैल्यू आया 5k+2, n को 7 गुना किया गया तो 5k+2 को 7 गुना कर लिया, 5k का 7 गुना 35k हो गया और 7 गुना कितना हो गया, 14। इसको 5 से जब भाग देंगे तो 35 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, सीधे 14 में भाग दे के ना देख लें। इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट याद रखने वाला क्या है कि जो चीज संख्या के साथ की जाए ये बात याद रखिएगा, वो आप किसके साथ करिएगा, शेषफल के साथ। कह रहा है n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, शेषफल कितना आता है, 2 आता है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि अगर संख्या को 7 गुना कर दे तो आप सीधे शेषफल को 7 गुना कर दीजिए, 7 × 14 और इसको 5 से भाग दीजिए, 5 × 10, आंसर 4 आ गया। पूरा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये आपको हर बार, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि संख्या के साथ क्या हो रहा है, संख्या का 5 गुना किया जा रहा है, 6 गुना, जो संख्या के साथ हो रहा हो वो आप सीधे शेषफल के साथ उठा के कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए पूर्णांक ए और बी को 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है, जब a इंटू बी को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब a इंटू बी किया जा रहा है तो सीधे सीधे आप दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हो, आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 5 × 7 = 35। अब 35 को आप 8 से भाग दे दीजिए, 8 × 32, शेषफल कितना बचा, 3। यही आपका आंसर आ गया। पूरा कुछ नहीं करना है, आपने जब a को 8 से भाग दिया तो शेषफल 5 आया, b को 8 से भाग दिया तो शेषफल 7 आया। अब आपने क्या किया, संख्याओं को आपस में गुणा कर लिया, a इंटू बी किया तो आपने क्या किया, शेषफलों को आपस में गुणा कर लिया, 5 × 7 = 35 और 8 से भाग देके सीधे आंसर बता दिया, सीधे 5-6 सेकंड का भी काम नहीं है, इतने आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल 13 बचता है, उस संख्या के वर्ग का 3 गुना। अब संख्या के वर्ग का 3 गुना करना है तो शेषफल के वर्ग का 3 गुना करिए, 13 का वर्ग कर दीजिए, 13 × 13 और इसका 3 गुना कर दीजिए। अब इसको अगर हम 21 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। किसी संख्या को 13 बचता है, यदि संख्या के वर्ग के 3 गुने को उसी भाजक से 21 से भाग देंगे तो 169 × 3 हो गया ये। अब जैसे ही आप देखेंगे ये 13 × 3 = 39, 39 को 21 से भाग दिया तो 21 × 42 − 3 वहां से आ गया और 21 × 21 यहां से −8 तो 24, आंसर 3 आ जाएगा। अब आप पूरा करके देखना चाहते हो तो पूरा करके देख लीजिए, 13 × 169 × 3 करेंगे तो 3 × 27 = 2, 16 × 48 = 2, 50, 21 से भाग दिया, 21 × 42 बचा 8, 87 हो गया, 21 × 84 तो बचा कितना, 3। बस केवल आपको याद क्या रखना है कि जो चीज संख्या के साथ की जाए वो आप शेषफल के साथ कर दीजिए। कह रहा है यदि संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो आपने शेषफल के वर्ग का 3 गुना कर दिया, ये देखिए 169 × 3 और 507 बना, इसको आपने 21 से भाग दिया तो जो आपका सही आंसर था वो आपको आंसर देखने को मिल गया। बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस आप लॉजिक याद रखिए इस तरीके से और आसान से सवाल बनते। एक और देखिए, कह रहा है यदि n को 7 से भाग देते तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल, देखो कह रहा है n को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब देखो यहां से अगर हम n को 7 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम्स तो ये कट रहा होगा, अगर कट रहा होगा तो संख्या बन रही है 7k+2, अगर हम इसको 7 से भाग दे रहे हैं तो ये तो 7 से कट ही रहा है पूरा पूरा। अब अगर हम इसको 7 से काटना चाहते हैं प्लस 2 को तो इसमें 5 और जोड़ दें तो ये भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये था आपका n और 5 जोड़ दिया हमने तो n+5 ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। इतना सीधा करना नहीं था, अब आपको यहां से ये देखना है अगर शेषफल 2 है तो 2 में कितना जोड़ दें कि ये 7 से पूरा पूरा कट जाए,
तो दो में अगर आप पांच जोड़ देंगे तो सात से पूरा पूरा कट जाएगा, तो वही n प्लस फाइव, संख्या में भी पांच जोड़ दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चीज संख्या के साथ की जाए वो शेषफल के साथ कर दीजिए। अब शेषफल दो से सात लाना है, शेषफल दो से सात लाना, तो शेषफल में कितना जोड़ना पड़ेगा, पांच जोड़ना पड़ेगा, तो वही उठा के आप पांच संख्या में जोड़ दीजिए, तो एन प्लस पांच इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगले पे चलते हैं। एक ये बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है, एक्स वाई जेड को 31 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल बचते हैं। वही बात, जो संख्याओं के साथ किया गया वो शेषफल के साथ किया करिए। संख्या को चार गुना किया है, शेषफल को चार गुना कर दिया, 17 चौको 68 माइनस दूसरी संख्या को दो गुना किया गया है तो वाई से 24 को दो गुना कर दीजिए 48, और तीसरी संख्या का तीन गुना करके जोड़ा गया तो 27 का तीन गुना कितना हो गया 81। इनको सबको 31 से भाग देना और बताना शेषफल कितना आएगा। जैसे ही आपने 68 से 48 घटाया 20 और ये हो गया आपका 101। 31 से भाग दे दीजिए, 31 से 93 बचा आपका 8, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए। एक से एक बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है यदि किसी संख्या को डी से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है तो एन स्क्वायर को डी से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 बचता है, डी के कितने मान संभव है। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या को डी से भाग देते हैं तो शेषफल 10 बचता है। कोई भी संख्या मान ली मैंने एन, अगर इसको हम डी से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 10 आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है वो 10 बच रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है उस और एन स्क्वायर को डी से भाग दें, अगर शेषफल का स्क्वायर क्या है तो हम क्या करें, संख्या का स्क्वायर कर दें, सॉरी संख्या का स्क्वायर किया तो हम क्या कर दें, शेषफल का स्क्वायर कर दें, और इसको डी से भाग देते तो अब शेषफल कितना बच रहा है 4। शेषफल अगर 4 बच रहा है तो पक्की बात है 96 जो होगा वो पूरा पूरा कट रहा होगा, तभी तो 4 शेष बच रहा है डी से। अगर 96 डी से पूरा पूरा कट रहा है तो 96 से कटने वाले कितने ऐसे मान होते हैं, ये हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर में पढ़ चुके हैं। फिर से समझिएगा किया क्या, अगर हम संख्या n को d से भाग देते हैं तो शेषफल 10 आता है, हमें n स्क्वायर को d से भाग देना है और शेषफल 4 बचे, तो n स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, 10 का स्क्वायर कर लिया। हमने अभी भी बताया जो चीज संख्या के साथ की जाए वो शेषफल के साथ कर लीजिए। 10 का स्क्वायर 100 को अगर हम d से भाग देंगे शेषफल 4 बचेगा, तो हम 100 को 96 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो शेषफल तो 4 बच गया बट डी जो है 96 जो है वो डी से पूरा पूरा कट रहा है। अगर डी से पूरा पूरा कट रहा है 96 तो वो कौन कौन से वैल्यू होंगे जो पूरे पूरे कट जाएंगे। अब 96 के नंबर ऑफ फैक्टर अगर हम काउंट करें तो 32 यानी 96 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 करेंगे तो 6 दूनी 12 फैक्टर बने, लेकिन 12 फैक्टर बने लेकिन हमसे कहा क्या गया है कि शेषफल पहले कितना बच रहा था 10 बच रहा था। अगर शेषफल 10 बच रहा है तो 10 से छोटी वाली सारी संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी जो 96 को पूरी पूरी काटती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 काटेगा और 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं काटेगा, तो ये 6 संख्याएं हमको छोड़नी पड़ेंगी। ये 6 क्यों नहीं ले सकते हैं? इस पे भी दिमाग लगाइए कि कभी आप 8 से भाग देके ना 10 शेषफल नहीं ला सकते, मतलब 10 से छोटा कोई भी नंबर है जिसको भाग देके 10 या 10 से छोटे नंबर से भाग देके 10 शेषफल नहीं आएगा, तो इससे ऊपर वाले सारे नंबर लिए जाएंगे। जैसे 12 लिया जाएगा, आप 12 से भाग देंगे तो शेषफल 10 आ जाएगा, 12 के बाद आप ले सकते हैं 16 ले सकते हैं, 16 के बाद 17, 18, 19, 20 नहीं कटेगा, 24 से कटेगा, 24 से कटने के बाद 32 से कटेगा, 48 से कटेगा, 96 से कटेगा। यह लेने नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये वो 6 नंबर हैं जिनको हम ले सकते हैं, ये 6 संख्याएं हो सकती हैं और ये शुरुआत की 6 में छोड़नी पड़ेंगी। टोटल 12 हमने देख लिया था, शुरुआत की 6 छोड़ दी तो जो डी का सही डी के संभव मान है वो कितने होंगे, 6 होंगे। बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग लगा के करना पड़ेगा, बहुत आसानी से नहीं होने वाला है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो टिपिकल भी नहीं है। ये हमने नंबर ऑफ फैक्टर में भी इस तरीके के सवाल किए थे, अगर आप जाके पीछे देखेंगे तो उस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। अगला एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है यदि n को दो अंकों की संख्या दो अंकों के भाजक d से विभाजित करते हैं तो शेषफल, चलो n एक संख्या है जिसको हम d से विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा आता है 68। देखिए पिछले सवाल से ये रिलेट करेगा, 68 आता है। अब कह रहा है वेब 68 5n, अगर 5n कर रहा है तो हम क्या करें, 68 को संख्या को 5 गुना किया गया तो हम शेषफल को 5 गुना कर दें। अगर हम इसको d से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 8 बचता है, तो ये 5, 8, 40 पंचे का 340 हो गया, 340 8 शेषफल बचता है तो 332 पूरा पूरा कट रहा होगा और 8 शेषफल बच रहा होगा। अब हमको ये बताना है 332 d से पूरा पूरा कट रहा है तो 332 किससे किससे पूरा पूरा कटेगा, और हमें जो n लेना है वो दो अंकों का लेना है। तो पहले डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको 332 332 से कट जाएगा, लेकिन ये तीन अंकों में है
166 से कट जाएगा, ये तीन अंकों में है। 83 से कट जाएगा, ये दो अंकों में है और यही ऑप्शन भी है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 83 ना 332 को लेंगे ना 166 को, ले हम दोनों को सकते हैं, ले हम दोनों को सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और 68 से छोटा नंबर तो वैसे भी नहीं लिया जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 83। बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन मिलता जुलता है, दिमाग लगा के करेंगे आसानी से बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 आता है, यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 31 आता है, यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल 19 आता है, भाजक का पता लगाएं। देखिए बहुत प्यारा सवाल कह रहा है, कह रहा है एक संख्या को किसी भाजक से मान लो डी से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है आपका 46 आता है। तो जो भी दे रखा है यहाँ पे रिमाइंडर 46 दे रखा है, जो भी संख्या होगी यहाँ पे ये डी से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। मान लिया मैंने डी के मान लिया है ना, ये मान ये डी से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। फिर हमने दूसरी संख्या देख ली, वो हमने मान ली डी एक्स है और प्लस जो रिमाइंडर है वो वहां 31 बच रहा है। अब ये भी पूरा पूरा डी से डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों के योग की अगर आप बात करो तो ये डी एक्स डी के प्लस डी एक्स, मैं बता रहा हूं कैसे आसानी से बनेगा, अभी बताएंगे इसको 6 7 4 3 7। अब इसको d से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है। अब 77 को किससे भाग दें कि शेषफल 19 आ जाए, तो भाई 19 अगर शेषफल बचेगा तो इसको 58 पूरा पूरा भाग चला जाए और 19, तो 58 किससे कट जाएगा, तो भाजक जो आपका हो गया वो कितना हो गया, 58 हो गया, 58 ये इसको पूरा पूरा काट देगा और 19 शेषफल बचा देगा। ये पूरा करने की कोई जरूरत है नहीं। अब किया क्या जाएगा वो समझे कि एक बार 46 शेषफल बच रहा है, एक बार 31 बच रहा है, 46 और 31 कितना हो रहा है 77, और उसी को अगर हम भाग दे रहे हैं तो 19 शेषफल बच रहा है, 19 अगर शेषफल बच रहा है तो ये 58 पूरा पूरा कटेगा। 58 किससे किससे कट जाएगा, 58 से कट जाएगा और 29 से कट जाएगा। तो 58 भी आंसर हो सकता है, 29 हो नहीं सकता क्योंकि यहां से देखिए 31 शेषफल 19 से 29 से भाग देने पे कहां बच जाएगा, संभव नहीं है। तो भाई 46 भी बड़ा है, तो जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 58। खुशनसीब है कि यहाँ 29 ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो भी छोड़ना पड़ता आपको। क्यों छोड़ना पड़ता, 29 को नहीं ले सकते क्योंकि भैया 46 और 31 शेषफल नहीं बचेगा 29 से भाग देते टाइम। तो जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 58। छोटी छोटी हर एक बात को दिमाग पे रखिए और सब ये भाज बराबर भाजक वाले फॉर्मूले से रिलेट करते हैं क्वेश्चन। अगले पे चल रहे हैं, देखिए ये एक सरल सा सवाल दे रखा है, कह रहा है 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15 और 3 की पावर n किसी पूर्णांक का एक घन है। तो आप क्या करिए, यहां से इसके बारे में हमें पता नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं 12 15 3 की पावर 9 इसमें सब में कॉमन मिल जाएगा। अगर 3 की पावर 9 कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका बन गया 1, ये आपका क्योंकि बड़ा ही होगा 9 से क्योंकि सारे ऑप्शन भी बड़े हैं। यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3 जिसको हम 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे बचा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 जो हो जाएगा आपका वो 27, 3 की पावर 3 27, 729 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा अगर हमें पूर्ण घन बनाना तो वो देखें, क्योंकि ये पूर्ण घन पहले से है तो इसके मल्टीप्लाई में भी जो बनेगा वो भी पूर्ण घन ही होना चाहिए। तो 729 और एक 730, 730 और 27 हो गया 757। अगर 757 है और अगला जो पूर्ण वर्ग देखोगे वो 1000 होगा तो 243 अगर हम देखेंगे तो बन जाएगा। और 243 जो होता है ये होता है 3 की घात 5, 3 की घात 9 आप बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो 9 और 5 ये n का वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ये हो गया इसका डी ऑप्शन आंसर। एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप एकदम 3 की पावर 9 कॉमन लेके डायरेक्ट सोच नहीं सकते, तो क्या करिए कॉमन लेके फिर एडजस्ट करिए कि किस तरीके से इसका मान रखें तो ये आ जाए क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से। इसमें क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवाइड करते हैं कि पहले भाग दिया, फिर उसका जो भागफल आया उसको भाग दिया, फिर जो उसका भागफल आया उसको भाग दिया, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। कह रहा है यदि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देते हैं तो क्रमशः 1 और 4 शेषफल बचते हैं। क्रमिक रूप से 4 और 6 मतलब 4 से भाग देते हैं, फिर जो भागफल आएगा उसको 5 से भाग देते हैं, तो सब पहली बार जब भाग दिया गया तो शेषफल 1 आया है और दूसरी बार जो भाग दिया है शेषफल 4 आया है। कह रहा है अगर इसको 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएंगे, पहले हम वो संख्या तो बना लें कि वो संख्या क्या है। तो आप यहाँ पे जो नंबर रखने वाले हैं, जो लास्ट डिविजर रखने वाले हैं, लास्ट क्वोशेंट रखने वाले हैं, लास्ट भाजक रखने वाले हैं, वो अपनी तरफ से आपने को लेना है।
लास्ट भागफल। तो हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए हम एक भी मान सकते हैं, जीरो भी मान सकते हैं, जिससे कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। हम दोनों से करके दिखाएंगे आपको। पांच एकम पांच, इसका इसका मल्टीप्लाई करते जाइए और इसको ऐड करते चलिए। पांच एकम पांच चार नौ, और नौ चौको छत्तीस एक सैंतीस, ये आपकी संख्या बन गई। अगर सैंतीस आपकी संख्या बन गई, अब अगर आप सैंतीस को पांच और चार से भाग देंगे, पांच और चार से, तो पहली बार पांच से भाग दिया तो पांच सत्ते पैंतीस, दो शेषफल बच गया। चार से भाग दिया, चार एकम चार, तीन शेषफल बच गया, तो शेषफल के जो क्रम हो गए वो हो गए दो और तीन। इसी सवाल को आप जीरो रख के भी कर सकते थे। देखिए जीरो रख के कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जीरो रख दिया, शेषफल एक और चार थे, पांच इंटू जीरो करेंगे तो यहाँ पे चार ही आ गया। चार चौको सोलह, एक ही कितना बन गया सत्रह। अब इसी सत्रह को जब आप पांच और चार से भाग देंगे, तो पांच से भाग दिया, पांच तीन पंद्रह, दो बच गया। चार से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो ये तीन शेषफल बच गया, तो दो और तीन भी कर सकते हैं। आप जीरो लेके कर सकते हैं, वन ले सकते हैं, इससे बड़ी संख्या भी ले लेते हैं। जीरो लेने का फायदा ये होता है, जब थोड़े से बड़े नंबर्स आएंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। वन लेने से भी बहुत टिपिकल नहीं होगा, बट जीरो लेने से और इजी हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसका आंसर जीरो लेके भी निकाल सकते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन कह रहा है, किसी यदि किसी संख्या को छह पांच सात से भाग देते हैं तो तीन एक चार शेषफल आता है। पहले छह से भाग देते हैं, फिर पांच से भाग देते हैं, और फिर सात से भाग देते हैं। तो जो शेषफल दे रखे हैं वो दे रखे हैं तीन एक और चार। अगर उसी संख्या को पंद्रह से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो अगर ये जीरो मान लिया तो ये चार ही आ गया। इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो चार, पांचों को बीस एक इक्कीस हो गया, और इक्कीस छक्का जब देखेंगे आप तो हो गया 126 और तीन 129 हो गया। अब इस 129 को अगर हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 15 अट्ठे 120, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। बस आपको प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए, कभी गलत होने का गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ पे इस तरीके से इस सवाल का आंसर निकाला जाएगा, जो कि बहुत आसान है। अगले पे चल रहे हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है सात चार तीन से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो जो हमारे शेषफल आ रहे हैं वो पांच तीन और दो आ रहे हैं। अब हमसे कह रहा है अगर हम क्रम पलट के भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। कह रहा है इफ द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइड बाई 743 लीव्स रिमाइंडर 53 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, इफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन आर रिवर्स, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब इन्हीं को पलट के अगर भाग देंगे तो पहले वो संख्या बना लें, ये आपका दो ही आ गया। चार दो आठ तीन ग्यारह हो गया, ग्यारह सत्तर सत्तर पांच बयासी हो गया। अगर आप एक ले लेंगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, बाकी आंसर सेम आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, इश्यूज नहीं है। ये बयासी हो गया, तो ये तीन चार और सात, तीन से भाग गया तो सत्ताईस या इक्यासी बचा एक, चार से भाग गया चार छः चौबीस बचा तीन, सात से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं बचा एक, तो आंसर जो हो गया वो एक तीन छः, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से किया जा सकता है, कुछ भी नया है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ये दिए रखा है जहां पे ये कह रहा है 64,329 को एक संख्या से भाग देते हैं, फिर तीन लगातार शेषफल 175, 114 और 213 है, तो उस भाजक के अंकों का योगफल बताना है कि वो जो भाजक है उसके अंकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए एक संख्या है जो 64,329, इसको किसी भाजक से भाग दिया जाता है, नहीं पता वो क्या है। तो जब पहली बार भाग देते हैं तो शेषफल जो आ रहा है वो आ रहा है 175। अगर शेषफल 175 आ रहा है तो इनमें भाग दिया गया होगा तो शेषफल 175 आया होगा। तो जाहिर सी बात है अगर 175 आया तो इन इससे और इससे घटा के ही 175 आया होगा। अगर उससे घटा के आया होगा तो इन दोनों को घटा लें तो वो नंबर मिल जाएगा। 13 में 5 गया 8, यहाँ पे बचा आपका 3, 13 में 7 गया 6, ये बचा 5 में 1 गया 4, ये मिल गया आपको 468। अब आगे बढ़ेंगे, फिर क्या किया, 2 यहां से ये नीचे उतार लिया ये। अब इसमें से जब हमने दोबारा का जो शेषफल है वो 114 आया है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ इस नंबर को घटा के ये 114 आया होगा। तो यहां से देख लेते हैं क्या होगा, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे बचा 4, 4 में 1 गया 3, और 16 में 17 में 1 गया 16, ये हो गया 1638। देखिए 12 में 8 गया 4, यहाँ पे बचा 4 में 3 गया 1, ये अब फिर से 9 को उतार लिया। अब जब आप फिर से इसके साथ किसी को घटाएंगे तो जो अंतिम शेषफल है वो 213 आया है, ये आया है। तो अब जाहिर सी बात है अगर ये 213 आया है तो इन दोनों का अंतर 9 में 3 गया 6 और 9 में 3 गया 6, यहाँ पे बचा 4, 4 में 1 गया आपका आ गया 3 और 11 में 2 गया 9, ये आ गया 936। अब हमको ये तीन नंबर मिले, एक ये, एक ये और एक ये तीनों ना उस भाजक से पूरे पूरे कट रहे होंगे, ये बात याद रखिए। 468, 1638 और 936, ये उस भाजक से, ये तीनों संख्याएं उस भाजक से पूरी पूरी कट रही होंगी। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, इन तीनों का ऐसा एचसीएफ ले लेते जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो हम पहले तो हमें 468 ही दिख रहा है कि ये इसका डबल दिख रहा है, बट ये नहीं कट रहा है 468 से।
अगर ये नहीं कट रहा तो क्या करते हैं, 234 अगर हम लोग देखें, 234 ये इससे दो बार में काट रहा है, ये चार बार में कट रहा है, इसको काट के देखेंगे तो 7 चौक 28 यहां से लगा, 2 7 21 2 23 बचा, 2 7 14 2 16 वो भी कट रहा है। तो हमें ये जो संख्या जो डिवीजर मिला जो भाजक मिल गया वो 234। हमसे ये नहीं पूछा था कि वो भाजक क्या है, हमसे ये पूछा उसके अंकों का योग क्या है, 4 3 7 2 9, तो जो संख्या का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक बहुत प्यारा सवाल रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से इस तरीके का सवाल भी बन सकता है क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये था आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन। अगर आपको यहां तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके अगले वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ थ्योरम्स बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और भी कुछ छोटे छोटे से सवाल बहुत अच्छे सवाल बनते हैं अगले वीडियो में, मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।